वेस्ट बंगाल स्टेट नीट एग्जामिनेशन रिजर्वेशन सिस्टम और सीट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें प्लस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि वेस्ट बंगाल में क्या है कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टेट कोटा 85 परसेंट की जो सीट होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं बीबीएस बीडीएस या फिर बाकी के जो आयुष के कोर्सेज या फिर वेटनरी साइंस और बी नर्सिंग के कोर्सेज हैं जिन कॉलेजेस में इसके अलावा जो रिजर्वेशन सिस्टम है ओबीसी एस सी एस टी जनरल पीडब्ल्यू डी इन सब का क्या रिजर्वेशन है एक्स सर्विसमैन और उसके अलावा फ्रीडम फाइटर क्या इन सब का रिजर्वेशन स्पोर्ट कोटा का रिजर्वेशन वेस्ट बंगाल में है अगर है तो कितना है या फिर नहीं है कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में वेस्ट बंगाल के स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एट्टी फाइव परसेंट स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करने के लिए प्लस जो रिजर्वेशन सिस्टम है डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट्स का उसको लेकर आप मेडिकल विंग के साथ बने रहिए चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार रहे है मेडकविंग की ओर से मैं हूं अमित आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इफॉर्मेटिव चैनल मेडकविंग कैसे बात हो रही है वेस्ट बंगाल काउंसलिंग की और टू में नीट का एग्जामिनेशन देने के बाद जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो उसके बाद काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो उस केस में जो 85 परसेंट स्टेट कोटा होता है उसमें कौन कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं वेस्ट बंगाल जो है वो आ, पास आउट किया हो वेस्ट बंगाल से और वो रेजिडेंट हो आ, वेस्ट बंगाल का तीसरा क्राइटेरिया है कि स्टूडेंट डोमिसाइल नहीं है आ, वेस्ट बंगाल का लेकिन उसके मदर फादर ट्राइड दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही अगर जो है वो परमानेंट रेजिडेंट हैं वेस्ट बंगाल के तो फिर उस केस में कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट है वो अपना एजुकेशन दिल्ली से करता है इलेवेंथ और ट्वेल्थ और उस केस में उसके फादर या फिर मदर दोनों या फिर दोनों में से कोई एक अगर वेस्ट बंगाल के जो परमानेंट रेजिडेंट हैं वहाँ के निवासी हैं तो उस केस में स्टूडेंट वेस्ट बंगाल की एट्टी सीट में क्लेम कर सकता है यानी वहां की जो स्टेट कोटा की काउंसिलिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है राइट सो so, तीन क्राइटेरिया हो गया पहला कि जो स्टूडेंट्स है वो परमानेंट रेजिडेंट हो वेस्ट बंगाल का दूसरा वेस्ट बंगाल से क्लास ट्वेल्थ का एजुकेशन किया हो और वहां का रेजिडेंट हो वो तीसरा जो क्राइटेरिया है कि कैंडिडेट के मदर या फिर फादर दोनों में से कोई एक अगर वेस्ट बंगाल के परमानेंट रेजिडेंट है तो फिर उस केस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं भले ही एजुकेशन स्टूडेंट ने किसी और स्टेट से क्यों ना की हो सो right? so, ये हो गया मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पार्टिसिपेट करने का लेकिन अगर हम सीट मैट्रिक्स के हिसाब से जो रिजर्वेशन है उसकी अगर हम बात करेंगे तो अनरिजर्व के लिए टोटल 48 परसेंट का रिजर्वेशन अनरिजर्व सीट से यहाँ पर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है अनरिजर्व पी के लिए अगर हम बात करेंगे तो फिर अनरिजर्व पी डब्ल्यू जो पी डब्ल्यू कैंडिडेट्स होते हैं यानी फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स होते हैं फिजिकली चैलेंज uh, जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए टोटल पाँच परसेंट का रिजर्वेशन होता है ओरिजेंटल रिजर्वेशन होता है ई का वेस्ट बंगाल में टेन का रिजर्वेशन है ओ में दो कैटेगरी होती है वेस्ट बंगाल में ओ ए और ओ बी तो ओबीसी ए और बी दोनों को मिला लेंगे तो करीब करीब यहाँ पर 19 से 20 परसेंट का रिजर्वेशन डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में होता है किसी में एक दो सीट कम होती है किसी में एक दो सीट ज्यादा होती है एस की बात करेंगे 22 परसेंट का रिजर्वेशन है और एस की अगर हम बात करेंगे तो सिक्स परसेंट का रिजर्वेशन डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में

ये टैब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ईयर आपने गवर्नमेंट आप सेलेक्ट है, करते हैं और आप वेस्ट बंगाल सपोज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वेस्ट बंगाल आपने सेलेक्ट किया और ई एस आई सी कोटा या फिर स्टेट कोटा स्टेट कोटा में आप कोई एक मेडिकल कॉलेज सपोज कैलका नेशनल मेडिकल की बात करते हैं और यहाँ पर आप अपनी जो कैटेगरी होती है सपोज कि आप ओपन जनरल कैंडिडेट हैं

फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर सकते हैं बिना किसी सिंगल पेनी के इन्वेस्ट किए हुए लेकिन उसके बाद अगर आप अनलिमिटेड एक्सेस चाहते हैं मिटकोविंग की इस साइट का फिफ्टीन डेज के लिए हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन रुपीज में आप ये एक्सेस ले सकते हैं पंद्रह दिन तक आप किसी भी कोर्स का किसी भी कैटेगरी का दो साल का कट ऑफ आप चेक आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं आपका कोई क्वेश्चन होता है आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर, पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं स्टे टेदास थैंक यू फॉर वॉचिंग मिटकाविंग थैंक्स सो लॉ कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनिए मेडिकल विंग को और करे अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार डाउनलोड दिया नाउ